Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have lecture number 6. Last lecture mein humne data and signals ke chapter ko start kiya tha. Hum is chapter ko aage continue karne se pehle kuch iski pehle summary dekhenge ki humne last lecture mein kya kya cheezein discuss ki thi. Sabse pehle humne bit rate dekha tha, phir bit rate ke baad humne bit length dekhi thi. Bit length ke baad humne apne digital signal as a component analog signals dekhe the. हमने इसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी कि वाई वी नीड बिट रेट, वाई वी नीड बिट लेंथ. सो हमने बिट रेट को काफ़ी डिटेल में देखा. बिट रेट को डिस्कस करने के बाद हम बिट लेंथ की तरफ चले गए. बिट लेंथ के हमने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स किए लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल अप्रोचेस से कि बिट रेट कैसे फाइंड किया जाता है, बिट लेंथ कैसे फाइंड की जाती है. फिर हम डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर चले गए. ए आपके एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल में इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस क्या है, एनालॉग सिग्नल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, टेक्निकल क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं दोनों के और बेनिफिट्स क्या क्या हैं. फिर हमने कंपोजिट सिग्नल्स देखे कि जो आपके पास कंपोजिट सिग्नल्स होते हैं उसमें आपके पास कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स थे और कंपोजिट सिग्नल्स किस तरह जो हम मेक किए जाते हैं उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं. फिर हमने इनको लिंक किया कि एप्लीकेशन लेयर के साथ साथ क्या एसोसिएशन है. फिर हमने इसको डिस्कस करने के बाद कुछ अपनी जो सिग्नल्स के अंदर डिसोरेशन होती है उसको देखा था कि डिसोरेशन किस तरीके से होती है, उस डिसोरेशन को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. उसके हमने डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल जो है न्यूमेरिकल्स किए थे, उन न्यूमेरिकल्स में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि डिसोरेशन को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. डिसोरेशन के बाद फिर हमने नॉइज़ देखी, क्योंकि नॉइज़ भी एक बहुत कॉमन फैक्टर था. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो कुछ अनवांटेड सिग्नल या कुछ अनवांटेड डाटा जो हम नहीं चाहते वो भी साथ ट्रांसमिट हो जाता है. डेफिनेटली जब वो ट्रांसमिट होता है तो वो नॉइज़ की जो है फॉर्म अपनी क्रिएट कर लेता है. जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि हम घर में जब टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो सम टाइम ये होता है कि जो आपके पीटीसीएल नंबर्स हैं या पीटीसीएल फोन्स हैं उसमें आपको नॉइज़ आ रही होती है, तो जो आपकी आवाज़ होती है वो ज़्यादा क्लियर वहाँ नहीं जा रही होती. तो अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि वो आपकी जो नॉइज़ की फॉर्म में आपकी एक लाइन उसमें ऐड हो जाती है और जो आपका रियल डाटा होता है जब हम उस डाटे की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो वो एग्जैक्टली ट्रांसमिशन वो नहीं होती, उसमें कुछ अनवांटेड डाटा भी चला जाता है जिसको हम रिमूव करने के लिए अपने डिफरेंट मैथमेटिकल अप्रोचेस यूज़ करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि वो किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं. फिर हमने साइन वेव देखी थी कि साइन वेव्स क्या होती हैं, सिग्नल्स के साथ किस तरह बनाई जाती हैं. साइन वेव्स के बाद फिर हम लोग चले गए थे अपनी वेवलेंथ के ऊपर कि आपके पास जो वेवलेंथ हैं वो आपकी किस तरीके से बनाई जाती हैं और उसका क्या रिलेशन है साइन वेव्स के साथ, ये सारी. फिर हम टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन पे चले गए थे. उसमें हमने टाइम डिवीन मल्टीप्लेक्सिंग भी थोड़ी सी देखी थी और फ्रिक्वेंसी डिवीन मल्टीप्लेक्सिंग भी देखी थी कि टाइम डोमेन क्या होती है, फिर आपकी जो है फ्रिक्वेंसी डोमेन क्या होती है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, टाइम डोमेन आपको कहाँ चाहिए होती है और जो आपकी फ्रिक्वेंसी डोमेन है ठीक है वो आपको किस केसेस में चाहिए होती है. फिर हम कंपोजिट सिग्नल्स पे आ गए थे. हमने क्या डेफिनेशन की थी कि कम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल थे कि जब आप अपने टू डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं तो हमने कहा था कि वो आपका जो है कंपोजिट सिग्नल होता है. तो इससे पहले जब हमने डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स देखे थे तो हमने उन दोनों को आपस में कंबाइन किया था और हमने कहा था कि ये आपके पास जो है दो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हैं. तो हमने कंपोजिट सिग्नल भी देखे थे कि जब आप मल्टीपल साइन वेव्स ड्रॉ करते हैं तो वो आपके पास एक कंपोजिट सिग्नल है. कंपोजिट सिग्नल्स को देखने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी बैंडविड्थ देखी थी. बैंडविड्थ हमने क्या कहा था कि एफ मैक्स माइनस एफ मिन के जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है उसमें जब अपनी लोस्ट फ्रिक्वेंसी को माइनस कर देते हैं तो वो आपके पास बैंडविड्थ आ जाती है. हमने बैंडविड्थ के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी किए थे. बैंडविड्थ को हमने ड्रॉ भी किया था लास्ट लेक्चर में कि उसके डिफरेंट हमने ग्राफ्स भी देखे थे.
फिर हमने बैंडविड्थ के बाद जो है वो बाकी उन चीज़ों को फिर लिंक भी किया था बिट रेट के साथ, बिट लेंथ के साथ, और लास्ट में फिर हमने अपने डिजिटल सिग्नल्स को और कंपोजिट सिग्नल्स को फिर कवर किया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है हम इसको उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था, डेटा एंड सिग्नल्स का। इंशाल्लाह टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डिजिटल ट्रांसमिशन चैप्टर नंबर 4 ऑफ दिस बुक। सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं हम इसको स्टार्ट करेंगे डेटा रेट लिमिट्स का। देखें जब भी आप नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो हमने क्या कहा था कि बैंडविड्थ क्या चीज़ थी, कि देयर इज अ मैक्सिमम थ्रूपुट। जिस तरह हमने कल भी इस एग्जांपल को देखा था कि जो आपके पास ईथरनेट होता है, ईथरनेट की जो आपकी एक आपकी जो है थ्योरेटिकल स्पीड होती है और एक आपकी प्रैक्टिकल स्पीड, लाइक हम ये कहते हैं कि जो उसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट दैट इज MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है ईथरनेट का डाटा ट्रांसमिट करने का, वो 1518 बाइट्स है। और जो प्रैक्टिकल उसकी लिमिट है दैट इज 1500 बाइट्स। अब जब आपने ईथरनेट की एक लिमिट डिफाइन कर दी है, अब मैं अगर 10 मेगाबाइट की फाइल ट्रांसमिट करता हूँ तो वो जो 10 मेगाबाइट की फाइल है वो एग्जैक्टली आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते बिकॉज योर लिमिट इज 1500 बाइट्स। तो आप क्या करते हैं, ईथरनेट क्या करता है, हमने अपने सेकेंड लेक्चर में देखा था डेटा एनक्रिप्शन की टेक्निक हमने देखी थी, हमने क्या कहा था कि वो जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो डेटा में कन्वर्ट होती है, डेटा सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, सेगमेंट्स आपके पैकेट्स में कन्वर्ट होते हैं, पैकेट्स आपके जो हैं वो फ्रेम्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो फ्रेम्स हैं वो आपकी बिट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा था कि जो सेगमेंटेशन बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है, कि वो प्रोटोकॉल की लिमिट, जिस तरह हम कहते हैं कि हमने कि वी वांट ट्रांसमिट 10 MB फाइल ऑन द नेटवर्क बट वी कांट, वाई, बिकॉज अवर लिमिट इज 1500 बाइट्स, दैट्स वाई वी नीड डेटा सेगमेंटेशन आर डेटा एनक्रिप्शन। इन दैट केस वी विल यूज डेटा एनक्रिप्शन, यूजिंग दैट टेक्निक हम अपने डेटे को क्या करते हैं कि डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब वहां पर लिमिट की जब बात आ गई कि वॉट इज डेटा रेट लिमिट, दैट इज 1500 बाइट्स, बिकॉज वी can't send more than 1500 bytes at a time. तो bandwidth क्या है कि maximum limit जो आप transmission कर सकते हैं on your real network. तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी कि जो आपके पास real networks हैं bandwidth, हमने last time bandwidth को अगर हम compute करें mathematical तो फिर हम क्या कहते हैं कि bandwidth is equal to maximum frequency minus lowest frequency. हमने बहुत से numerical देखे हैं जो हमारा lecture number 5 था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, एक एक आपकी जो है वो 10 हर्ट्ज़ की है, एक 30 की है, एक 40 की है, तो आप क्या करेंगे अगर हमें बैंडविड्थ फाइंड करनी है, 30 आपकी मैक्सिमम है, 10 आपकी लोएस्ट है, 30 - 10 इज इक्वल टू बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, 20 बैंडविड्थ आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बैंडविड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो डेटा रेट लिमिट्स हैं, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डेटा कम्युनिकेशन इज हाउ fast we can send data in bits per second over a channel. अभी हमने ये बात की कि आपके पास जो एक channel है उसके ऊपर आप कितना data transmit कर सकते हैं, और जो data हम बात करते हैं bits per second के, एक second में आप कितनी bits को transmit करेंगे on the network. So यहाँ पे आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो आपके पास over a channel, अब channel क्या है, चैनल आपका 5 जो है, मैंने कल ही बात की थी कि जब हमने देखा था कि 5 कंपोनेंट्स हैं आपके पास, आपका मीडियम है, यूज़र है, आपका सेंडर है, रिसीवर है, डेटा है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है कि डेटा रेट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, जब हम बात कर रहे हैं कि इन डेटा कम्युनिकेशन इज हाउ फास्ट वी कैन सेंड डेटा इन बिट्स पर सेकेंड ओवर अ चैनल, डेटा रेट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। अब जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज बैंडविड्थ अवेलेबल, कि आपके पास चैनल के ऊपर टोटल बैंडविड्थ है कितनी, यानी एक्चुअल बैंडविड्थ आपके पास कितनी है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो चैनल के ऊपर बैंडविड्थ है वो 2 मेगाबाइट्स की है या वो
3 मेगाबाइट्स की है या वो 4 मेगाबाइट्स की है, तो जो टोटल आपकी बैंडविड्थ है वो कितनी है. सेकंड, द लेवल ऑफ द सिग्नल वी यूज, हम किस लेवल के सिग्नल्स यूज कर रहे हैं. एंड थर्ड इज द क्वालिटी ऑफ द चैनल, द लेवल ऑफ नॉइज. अब बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपके पास एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, आपके पास जो बैंडविड्थ है दैट इज 50 MB, दैट्स वेरी गुड बैंडविड्थ, ठीक है. अब आप 50 MB के अंदर अगर 25% या 40% आपके पास नॉइज है, तो आपके जो रियल बैंडविड्थ है वो 50 तो नहीं रही ना, वो तो तकरीबन 35 के करीब आ गई, 40 के करीब आ गई. तो आपने ये भी देखना है कि चैनल की क्वालिटी. आप एक चैनल है उसकी बैंडविड्थ कम है, उसकी 30 MB बैंडविड्थ है, दूसरे की 50 है, लेकिन उसमें नॉइज फैक्टर बहुत कम है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे. हम 30 वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमने तो ऑन रियल ग्राउंड्स देखना है कि अगर मैं अपना एक्चुअल डाटा ट्रांसमिट करता हूँ तो मुझे मेरा डाटा कहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसमिट हो सकता है. तो जो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स हैं वो देयर आर 3 फैक्टर्स कि डाटा रेट जो आपका डिपेंड करता है. नंबर 1 इज दैट बैंडविड्थ अवेलेबल, कि आपको कितनी बैंडविड्थ वहाँ पे अवेलेबल है. फिर आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि द लेवल ऑफ द सिग्नल, कि आप किस लेवल के सिग्नल्स यूज कर रहे हैं. और द क्वालिटी ऑफ द चैनल, कि आपके चैनल की क्वालिटी क्या है, उसमें कितनी नॉइज, उसका नॉइज फैक्टर क्या है. इन पैरामीटर्स को देख के हम अपना चैनल जो है डिसाइड करते हैं ट्रांसमिशन के लिए. अब यहाँ पे हम इस टॉपिक्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, नॉइजलेस चैनल एक आपका इसमें डिफरेंट जो आपके ऑथर्स हैं, डिफरेंट जो आपके रिसर्चेज हैं, उस पर डिफरेंट थ्योरम्स हैं बिट रेट के, ठीक है. एक आपके पास शैनन कैपेसिटी है, एक आपके पास अब जो आपके नॉइजी चैनल्स होते हैं उसमें हम आपके शैनन के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, टेक्निक्स हैं, हम उसमें से नॉइज किस तरह कम कर सकते हैं, रेक्टिफाई किस तरह कर सकते हैं. फिर एक और ऑप्शन, एक और टेक्निक है यूजिंग बोथ लिमिट्स, ठीक है. तो ये हम इसमें भी डिस्कस करते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करके अपने चैनल को बेहतर बना सकते हैं. Increasing the levels of a signal may reduce the reliability of the system. देखिए, ये बहुत ही important concept है. हम जब बात कर रहे हैं कि increasing the levels of a signal may reduce the reliability of the signal. जब आप अपने signals का level increase कर रहे हैं तो जो system की आपकी reliability है वो reduce होती जा रही है, ठीक है. आपने ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि आप लेवल सिग्नल्स का लेवल बहुत इंक्रीज कर देते हैं और सिस्टम आपका क्रैश हो जाता है. तो हमने जो हमारा फोकस है वो सिस्टम रिलायबिलिटी के ऊपर भी है कि सिस्टम शुड बी रिलायबल. ये नहीं होना चाहिए कि हम डाटा तो बहुत फास्ट सेंड कर रहे हैं लेकिन सिस्टम रिलायबल नहीं था, वो क्रैश कर गया. तो ये सारे फैक्टर्स जब आप अपनी रियल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपने इन तमाम फैक्टर्स को इसमें देखना होता है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका चैनल है उसकी लिमिट क्या है, वो कितना डाटा कैरी कर सकता है, वो कितना रिलायबल है. कहीं ये तो नहीं है कि आपने डाटा ट्रांसमिट किया और साथ ही आपका जो है जो चैनल है वो क्रैश कर गया. तो ये जो कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ अ सिग्नल मे रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब यहाँ पे न्यूक्विस्ट थ्योरम को हम देखते हैं कि ये एक आपकी एग्जांपल है कि डज द न्यूक्विस्ट थ्योरम बिट रेट एग्री विद द बिट रेट डिस्क्राइब इन बेसमेंट ट्रांसमिशन. अब ये आपके पास एक आपके बुक में ये आपको एग्जांपल दी हुई है, 3.33 ये आपकी एग्जांपल है, ठीक है. यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो आपको ये थ्योरम है क्या वो एग्री करता है बिट रेट, जो बेसमेंट हमने कल देखा था कि बेसबैंड और ब्रॉडबैंड एक ट्रांसमिशन क्या होती है. हमने क्या कहा था कि जितने भी आपकी डिजिटल ट्रांसमिशन है जिसमें आपके कंप्यूटर्स, आपके राउटर्स, आपके स्विचेस जितने भी आपके इन्वॉल्व हैं, ये सारी की सारी आपकी बेसबैंड ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं. और जो आपकी ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है वो आप जब मल्टीपल डाटे को, मल्टीपल सिग्नल्स को एक चैनल के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं तो वो आपकी सारी की सारी क्या है, वो आपकी जो है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है. तो जो आपके पास बेसमेंट कम्युनिकेशन है, हम इसकी सोल्यूशन देखते हैं. दे मैच व्हेन वी हैव ओनली 2 लेवल्स, हम तब मैच कर सकते हैं कि जब हमारे पास 2 लेवल्स हैं. वी सेड इन बेसमेंट ट्रांसमिशन द बिट रेट इज 2 टाइम्स द बैंडविड्थ इफ वी यूज ओनली द फर्स्ट हार्मोनिक इन द वर्स्ट केस. कल वाले लेक्चर में हमने, लास्ट जो हमारा लेक्चर था,
लेक्चर नंबर 5th, उसमें हमने एक पूरा हार्मोनिक टेबल देखा था जिसमें 2 बिट 3 बिट और 4 बिट्स का टेबल था. अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की उसको तो उसको उस टेबल को आप जाके दोबारा देखें तो ये उसी टेबल के साथ लिंक्ड है, क्योंकि अब हम बैक पे नहीं जा सकते क्योंकि हमने अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करना है. तो जो कल हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने अपना हार्मोनिक टेबल देखा था आप उसको देखें. इसके बाद हाउएवर द न्यूक्विस्ट फार्मूला इज मोर जनरल देन व्हाट वी ड्राइव्ड. इट कैन बी अप्लाइड टू बेस बैंड ट्रांसमिशन एंड मॉडुलेशन. ये बेस बैंड ट्रांसमिशन और मॉडुलेशन के ऊपर अप्लाई होता है. ऑल्सो इट कैन बी अप्लाइड वेन वी हैव टू आर मोर लेवल ऑफ सिग्नल. तो इसको हम जो इसका क्या रूल है कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं. एक तो हम तब यूज कर सकते हैं कि वेन वी हैव टू आर मोर लेवल ऑफ सिग्नल और जब हमारे पास मल्टीपल हार्मोनिक्स होते हैं हम तब भी इसको जो है यूज कर सकते हैं इसको. तो ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, इसको डिटेल में देखें आप. अब हम यहाँ पे इसके कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, हम उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ है. फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.34 आपकी बुक की, कंसिडर अ नॉइजलेस चैनल विद अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल विद 2 सिग्नल लेवल्स. अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो क्या है, वो आपके पास जो है 3000 हर्ट्ज है और जो आपके पास और साथ में क्या कह रहे हैं कि वो ट्रांसमिट कर रहा है इस सिग्नल विद 2 सिग्नल लेवल्स. जो उसके साथ सिग्नल के लेवल्स हैं दे आर 2 सिग्नल लेवल्स. द मैक्सिमम बिट रेट कैन बी कैलकुलेटेड एज. जो अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम बिट रेट फाइंड करना है कि बिट रेट क्या है. उसको फाइंड करने के लिए जो आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला है 2 इंटू 3000 इंटू लॉग 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6000 बिट्स पर सेकेंड. तो ये हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे आप फिर देख लें. इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला, जस्ट आपने वैल्यूज पुट किए हैं इसके अंदर तो आपको पता चल गया है कि आपका बिट्स आपका जो बिट रेट है वो क्या आएगा, वो 6000 बिट्स पर सेकेंड आपका जो है वो आपका बिट रेट आएगा. इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जिसको हमने SNR कल कहा था, SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो. दस यहाँ पे अभी हम एक न्यूमेरिकल उसका भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों का भी पता चलना शुरू हो कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे जो आपके पास ये जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी एग्जांपल है इसमें क्या है, द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज ऑफन गिवन इन डेसीबल्स. यानी वो आपके पास जो है वो इन डेसीबल्स है और यहाँ पे अज्यूम दैट सिग्नल नॉइज रेशियो डेसीबल इज इक्वल टू 36 एंड द चैनल बैंडविड्थ इज 2 मेगाहर्ट्ज. जो आपके पास चैनल, अब यहाँ पे आपको दो चीजें हैं कि जो सिग्नल नॉइज रेशियो है वो भी बता दिया, दैट इज 36, और जो आपके पास चैनल की बैंडविड्थ है कि आप उसके ऊपर मैक्सिमम डाटा कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज. द थ्योरेटिकल चैनल कैपेसिटी कैन बी, अब हमने इसकी देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक थ्योरेटिकल लिमिट होती है एक प्रैक्टिकल लिमिट होती है. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट वेंडर्स हैं वो आपको मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ लेमैन वाली कि एक फैक्ट्री है वो डिफरेंट टाइप की बॉटल्स क्रिएट करती है. उसका कंपटीशन है डिफरेंट फैक्ट्री के साथ. एक वो साइज की बॉटल क्रिएट करती है 0.5 लीटर की, एक 1 लीटर की, एक 1.5 लीटर की. ठीक है, अब जब उसके अंदर उन्होंने पूरा डिज़ाइन कर दिया, सारा कुछ कर दिया, जब वो उसकी डिफरेंट टाइप की बॉटल्स बनी और जब उसमें उन्होंने एक्चुअल जो है वो कोई वाटर कोई मिल्क कोई चीज़ डाली तो पता चला कि जो 0.5 वाली है उसकी जो एक्चुअल उसमें जो आ रहा है दैट इज 0.491 और जो 1 लीटर वाली है वो 0.987 आ रहा है. तो ये अब ये जो डिफरेंस आ गया ना, एक्चुअली जो आपकी थ्योरेटिकल लिमिट थी वो थी 1 लीटर, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल उसको चेक किया तो जो आपका एरर रह गया वो कुछ पॉइंट्स में आपका एरर है, तो वो आपकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन थी. तो जो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस होता है दैट शुड बी वेरी लेस. अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर जो आप कि जो आपका डिज़ाइन है जो आपकी रिसर्च है वो सारी की सारी जो है आपके लिए फ्लूड हो जाती है, क्योंकि
अब अगर आप वन लीटर में 0.7 लीटर लिक्विड डाल के देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि इसमें 0.7 लीटर, ठीक है। तो कोई भी आपसे वो बॉटल जो है परचेज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि जो थ्योरेटिकल लिमिट और प्रैक्टिकल है, जिस तरह हमने बात किया कि इथरनेट की थ्योरेटिकल डेटा रेट लिमिट क्या है, 1518 बाइट्स, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इसके ऊपर डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो 1500 मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके पास जो है कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल एक थिक नेट होती है, एक थिन नेट होती है। अब जो थिन नेट है उसकी जो डिस्टेंस लिमिट है वो 200 मीटर्स है, लेकिन ये 200 जो मीटर्स है ये आपकी आपकी क्या है, ये आपकी जो है थ्योरेटिकल है, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल लिमिट है वो आपकी क्या है, वो आपकी 185 मीटर्स है। तो अब ये देखें कि आपके पास जो थ्योरेटिकल है और जो प्रैक्टिकल है, इन दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है। यानी थ्योरेटिकल जो है वो आप देखें कि वो आपकी जो है 200 मीटर्स है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो आपकी 185 मीटर्स है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, हम फिर आते हैं वापस अपने एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज ऑफन गिवन इन डेसिबल्स, और यहाँ पे आपको सिग्नल नॉइज रेशियो जो है वो दे दी गई है, दैट इज 36, एंड द चैनल बैंडविड्थ इज 2, जो आपकी चैनल बैंडविड्थ है दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज़। द थ्योरेटिकल चैनल कैपेसिटी हमने, अब जो हमने फाइंड क्या चीज़ करना है, वो हमने फाइंड करनी है अपनी थ्योरेटिकल चैनल कैपेसिटी, के जो आपके पास थ्योरेटिकल चैनल की कैपेसिटी है हमने एक्चुअली उसको फाइंड करना है। हम उसमें इंटरेस्टेड है कि हम उसको किस तरीके से कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए जो आपके पास फार्मूला है दैट इज SNR dB इज इक्वल टू 10 log 10 SNR, इसको आप लिख सकते हैं। अब आप ये देखेंगे ये आपके पास नीचे क्या आ गया, चैनल इज इक्वल टू B log 2, ये आपका वो मैथमेटिकल फार्मूला है, C इज इक्वल टू B log 2 ब्रेसिस 1 plus SNR 2 इज इक्वल टू। अब आपके पास जो जो डाटा यहाँ पे गिवन था वो आपने सारी की सारी वैल्यू इसमें डाली, 2 × 10⁶ × log 2 39 A2, ये सारी चीज़ें जो आपको गिवन थी ये आपने इसमें डाली। तो यहाँ पे आपने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था कि SNR 10 SNR dB 10, तो ये आपके पास क्या आ गया, 10⁶, इसको आपने कैलकुलेट किया तो क्या आ गया आपके पास 3981। तो ये आपने 2 × 10⁶ log 2 3981 को हमने राउंड करके 3982 लिखा, तो आपके पास टोटल क्या चीज़ आ गई, 24 मेगाबिट्स। अब आपके पास जो इस चैनल की चैनल कैपेसिटी है वो क्या है, वो आपके पास 24 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। अगर आपने चैनल की कैपेसिटी फाइंड करनी है तो यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट योर चैनल कैपेसिटी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके पास जो है प्रैक्टिकल जो आपके पर्पज़ हैं, कि जिस तरह आपके पास हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ व्हेन द सिग्नल नॉइज़ रेशियो इज़ वेरी हाई, वी कैन अज्यूम दैट सिग्नल नॉइज़ रेशियो +1 इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज सिग्नल नॉइज़ रेशियो। अब यहाँ पे एक आपका न्यू कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है समझने वाला है कि जब हम ये यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास सिग्नल नॉइज रेशियो है वो बहुत हाई है, तो हम वहाँ पे इस चीज़ की अज्यूम करते हैं कि दैट इज सिग्नल नॉइज रेशियो +1, हम +1 उसमें ऐड करते हैं और तो वो जो डिफरेंस आता है इज ऑलमोस्ट द सेम एज SNR, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इन दीज केसेस द थ्योरेटिकल चैनल कैपेसिटी कैन बी सिंप्लीफाइड, अगर हम ये अपनी अजम्पशन जहन में रखें कि हम वो थोड़ी सी हाई है और हमने उसमें +1 ऐड किया है, तो आपके पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या आएगा, चैनल इज इक्वल टू B × SNR dB/3। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कैलकुलेट द थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल पर जाएँ तो हम अगर इसी को फाइंड करें तो इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। आप ये देखें कि जब आपने यहाँ पे फाइंड किया तो आपके पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 2 megahertz इज इक्वल टू 36/3 इज इक्वल टू 24 megabits per second, बिकॉज ये आपके पास आएगा 12 × 2 दैट इज 24, इसको आपने कन्वर्ट किया, ये आपके पास अब चैनल की जो आपकी कैपेसिटी है, आप जो अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं उस चैनल के ऊपर, वो मैक्सिमम क्या है, अब आपके पास 24 megabits per second है। आप 24 megabits per second एक टाइम में अपना डाटा उस चैनल के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं जो आपका कम्युनिकेशन लिंक होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें डिफरेंट और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे
पास एग्जांपल है वो क्या है कि वी हैव अ चैनल विद 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ. आपके पास एक और चैनल है जिसकी बैंडविड्थ आपके पास 1 मेगाहर्ट्ज की है. द सिग्नल नॉइज रेशियो फॉर द चैनल इज 63. यहाँ पे आपको सिग्नल नॉइज रेशियो गिवन है वो आपके पास 63 है. चैनल की जो बैंडविड्थ है वो 1 मेगाहर्ट्ज है. व्हाट आर द एप्रोप्रिएट बिट रेट एंड सिग्नल लेवल. तो आपके पास एप्रोप्रिएट बिट रेट और सिग्नल लेवल क्या होना चाहिए. यहाँ पे आपने जो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक बिट रेट फाइंड करना है और एक सिग्नल करना है. तो यहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, शैनन फार्मूला यूज़ करते हैं. फर्स्ट वी यूज़ द शैनन फार्मूला टू फाइंड द अपर लिमिट. अब हमें पहले उसकी अपर लिमिट पता होनी चाहिए कि उसकी अपर लिमिट क्या है. तो इसके लिए क्या फार्मूला है, सी इज इक्वल टू, ये अब देखें जो हमने लास्ट बात की है कि हम 1+SNR करते हैं, तो वी लॉग टू ब्रेसिस 1+SNR इज इक्वल टू 10^6 लॉग टू 1+63. आपके पास ये चैनल की ये आप देख रहे हैं ये 63 जो आपके पास है ये आपने यहाँ पे पुट किया इज इक्वल टू 10^6 लॉग 264. आप इसको आप सब लोगों ने आई थिंक मैट्रिक में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको आप सब लोगों को जो है लॉग कैलकुलेट करना आता होगा. अगर नहीं आता तो उसको सीखें कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट. तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड आ जाएगा कि जो आपके चैनल की कैपेसिटी है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड है जो आप चैनल के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो ये आपके पास जो चैनल की कैपेसिटी थी वो कितनी आ गई, 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड. इस एग्जांपल को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज इस एग्जांपल में अगर आप देखें, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं तो हमने क्या कहा है कि वी हैव अ चैनल विद अ 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, द सिग्नल नॉइज रेशियो फॉर द चैनल दिस, व्हाट आर द एप्रोप्रिएट बिट रेट एंड सिग्नल लेवल. यहाँ पे हमने दो चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, एक बिट रेट और दूसरा सिग्नल लेवल. ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि उसका बिट रेट क्या होना चाहिए और उसका सिग्नल लेवल क्या होना चाहिए. ये दोनों चीज़ें आपसे यहाँ पूछी गई हैं. तो जो आपके पास शैनन फार्मूला है, द शैनन फार्मूला गिव्स अस 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड द अपर लिमिट फॉर बेटर परफॉर्मेंस वी चूज समथिंग लोअर 4 मेगाबिट्स. हमने अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो हम उसे कुछ कम चूज़ करते हैं. हम अगर चूज़ करते हैं 4 मेगाबिट्स फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इट्स 4 मेगाबिट्स, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी अपनी अजम्पशन है. देन वी यूज द न्यूक्विस्ट फार्मूला टू द फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल, कि उसमें कितने लेवल हैं. क्योंकि आप प्रीवियस स्लाइड में फिर जाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास सिग्नल लेवल और बिट रेट. तो बिट रेट तो आपने फाइंड कर लिया था और सिग्नल लेवल आप देखें उसको फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, 4 मेगाबिट्स यहाँ पे आपने अज्यूम किया इज इक्वल टू, ये आपका चैनल था बिकॉज सी जो हमने बात की है, तो 2 × 1 MHz × log 2L. तो आपके पास इस सारे को वहाँ पे ले जाएं और इसमें से आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को बना के आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी जो आपकी चैनल की लिमिट है वो क्या है, वो आपके पास जो है 4 है. नेक्स्ट जो आपके पास कंसेप्ट है वो है द शैनन कैपेसिटी गिव्स अस द अपर लिमिट, द न्यूक्विस्ट फार्मूला टेल्स अस हाउ मेनी सिग्नल लेवल्स वी नीड. तो इस सारे की जो समरी आ गई, हम अगर इसको प्रिसाइज करें तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपके पास शैनन कैपेसिटी है वो आपको अपर लिमिट बता देता है और जो आपका न्यूक्विस्ट फार्मूला है वो आपको सिग्नल लेवल्स बता देता है कि हाउ मैनी सिग्नल लेवल्स वी नीड, कि आपको कितने सिग्नल लेवल्स चाहिए उसको यूज़ करने के लिए. तो ये आपके पास एक की पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें कि जब आपने सिग्नल लेवल फाइंड करना है तो फिर क्या चीज़ यूज़ करनी है, अगर आपने अपर लिमिट फाइंड करनी है तो फिर आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और वो टॉपिक है परफॉर्मेंस का. देखिए परफॉर्मेंस जो है का जो मतलब है कि परफॉर्मेंस हर चीज़ की होती है, ठीक है. आप अगर अपनी डेली लाइफ में कोई भी चीज़ लेने जाएं, आप अगर अपना फॉर एग्जांपल आप एक लैपटॉप बाय करते हैं तो आप चाहते हैं आप कम से कम कॉस्ट में आपको बेहतर लैपटॉप मिल जाए जो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सके, जिसका प्रोसेसर बेहतर हो, जिसकी रैम बेहतर हो,
जिसमें हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो बेहतर हो, तो जिसमें डाटा ट्रांसफर रेट बेहतर हो, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी डिपेंड करती हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस को हम, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डाटा कम्युनिकेशन की, तो डाटा कम्युनिकेशन में परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत से फैक्टर्स हैं। कोई एक फैक्टर नहीं है। हम जब बात करते हैं कि मेरा नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मुझे बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। अक्सर जब हम बात करते हैं रियल नेटवर्क से अंदर कि जी मेरे नेटवर्क की तो है, या जो मेरे घर पे DSL लगा हुआ है तो इसकी तो जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, डेटा ट्रांसमिट रेट बेहतर नहीं है, तो आप डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आप जब भी अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत से पैरामीटर्स हैं। माइट बी आपने ये देखना है कि उसकी बैंडविड्थ कितनी है, आपको चाहिए कितनी, उसमें डिले कितना आ रहा है, लिंक के ऊपर लोड कितना पड़ा हुआ है, वो कितना रिलायबल लिंक है, मैक्सिमम उसकी थ्रूपुट क्या है, वो एक सेकंड में, एक मिनट में, एक वक्त में कितना डाटा सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। तो परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सी पैरामीटर्स होते हैं, बैंडविड्थ है, डिले है, लोड कितना है, लिंक कितना रिलायबल है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है उसका, ये इन तमाम। बाद दफा ये होता है कि आपके पास बैंडविड्थ बहुत अच्छी है लेकिन लिंक पे डिले आ रहा है बहुत ज्यादा, तब भी आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा, या आपके पास डिले भी नहीं है, बैंडविड्थ भी अच्छी है लेकिन आपने उस पर लोड इतना डाला हुआ है कि वो लिंक आपका क्रैश कर जाता है, या लिंक आपका रिलायबल ही नहीं है कि जो आपका मेन राउटर है ठीक है उसके साथ आपने एक्स्ट्रा पावर सप्लाई नहीं यूज की, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है आपका सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स देखने हमें पड़ते हैं कि जब हम अपनी बात करते हैं कि परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की जो डेफिनेशन है ये वन इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्या है कि नेटवर्क की रिलायबिलिटी, कि नेटवर्क यानी आपको मैक्सिमम डाटा ट्रांसमिट करे, कम टाइम यूज़ करे, रिसोर्सेज कम यूज़ करे, तो हम कहेंगे कि हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वन इम्पॉर्टेंट इशू इन नेटवर्किंग इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, हाउ गुड इज़ इट। हमने यही बात की कि आपके पास जो नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस, मैं अगर आप www.google.com करता हूँ और फिर अगले 5 मिनट में बैठ जाता हूँ, चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद देखता हूँ अच्छा जी गूगल आ गया। तो बात यह है कि इस दौर में नो बॉडी कैन वेट, ठीक है कोई भी वेट नहीं करेगा अगर, तो यहाँ पर जो लाइफ है इट्स वेरी फास्ट, ठीक है। तो आप अगर चैट कर रहे हैं, मैसेज टाइप करते हैं हेलो का, आपको 7 मिनट बाद रिप्लाई आता है यस, तो आप नेक्स्ट टाइम चैट नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपको मैक्सिमम थ्रूपुट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, कि जो आपका डाटा है वो आपका मैक्सिमम फास्ट हो, ट्रांसमिट बेहतर हो। तो इसके लिए वैसे तो हम एक पूरा चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो लिंक्ड है, हम आगे फर्दर चैप्टर्स में साथ साथ उनको डिटेल में डिस्कस करते जा रहे हैं। तो जब हम अपने इस बुक का चैप्टर नंबर 24 देखेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि वी डिस्कस क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस इन ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर नंबर 24। तो चैप्टर नंबर 24 एग्जैक्टली पूरा परफॉर्मेंस का चैप्टर है, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो कम रिसोर्स लेती हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिसोर्स को ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हम सारी की सारी देखेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी रिसोर्स ले रही है, कौन सी कितनी ले रही है, कौन सी कम ले रही है, कौन सी ज़्यादा ले रही है, ये सारी की सारी हम चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। और इन दिस सेक्शन वी इंट्रोड्यूस टर्म दैट वी नीड फॉर फ्यूचर चैप्टर्स, ठीक है। बैंडविड्थ हमने इसमें देखेंगे कि बैंडविड्थ क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि आपके पास जो है थ्रूपुट वो क्या होती है, लेटेंसी या डिले जब आप एक पैकेट सेंड कर रहे हैं तो वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें डिले कितना आ रहा है, उसमें लेटेंसी, ये इसको देखेंगे। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे अपने जो है परफॉर्मेंस की। तो जो परफॉर्मेंस का इशू है ये मतलब कोई, इट्स नॉट अ स्मॉल इशू, इट्स अ बिग इशू, बिकॉज जो रियल नेटवर्क्स हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं, उसमें हर यूज़र को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो परफॉर्मेंस का ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हर यूज़र ये चाहता है कि वो कम रिसोर्सेज में
कम कास्टिंग में अपने नेटवर्क को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, उसको सर्विसेज फास्ट मिलें, उसकी उसकी रिसोर्सेज कम आ को पाए हों, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये परफॉर्मेंस के साथ ही डिपेंड करती हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो नेटवर्क की जितनी बेहतर होगी उतनी बेहतर आपके जो यूज़र्स हैं, जो आपके जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनको उतनी बेहतर ही सर्विसेज उसमें मिलेंगी। अब यहाँ पे हम इसकी समरी देखते हैं कि इन नेटवर्किंग वो यूज द टर्म बैंडविड्थ इन टू कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी बैंडविड्थ है उसके जो कंटेक्स्ट हैं वो टू डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं। द फर्स्ट बैंडविड्थ, द फर्स्ट इज बैंडविड्थ इन किलोहर्ट्ज़ आर हर्ट्ज, रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज इन अ कंपोजिट सिग्नल आर द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज दैट अ चैनल कैन पास। ये दो कंसेप्ट हैं जो हमारे पास बैंडविड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मैं इनको फिर रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट बैंडविड्थ इन किलोहर्ट्ज़ आर हर्ट्ज़ रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, आपको डिफरेंट रेंजेस दी जाती है फ्रिक्वेंसीज की इन अ कंपोजिट, जो आपका कंपोजिट सिग्नल क्या था कि कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल साइन वेव्स, कि आप एक ही वक्त मल्टीपल डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो जो आपके पास सिग्नल था वो क्या था, वो आपके पास कंपोजिट सिग्नल था। आर द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज डेटा चैनल कैन पास, के उसकी क्या रेंज है, वो चैनल में कितना डाटा पास कर सकता है। सेकंड चीज़ क्या थी, द सेकंड बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड रेफर्स टू द स्पीड ऑफ बिट्स बिट ट्रांसमिशन इन अ चैनल आर अ लिंक। अब जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि द बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड, जो बैंडविड्थ होती है हमने पहले ही बात की कि बिट्स पर सेकंड रेफर टू द स्पीड ऑफ बिट ट्रांसमिशन, जो बिट ट्रांसमिशन की स्पीड है इन अ चैनल आर लिंक वो उस पर भी डिपेंड करती है कि चैनल के ऊपर डिले बहुत आ रहा है, उस पर बहुत लोड है, वो डाटा को आस्ता आस्ता पास कर रहा है। देखें आप कहीं गाड़ी लेके जाते हैं रोड के ऊपर, बस दफा रास्ते में कहीं पे आपका चेकिंग पॉइंट है जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, अब क्या है कि अब रोड बैंडविड्थ आपके पास बहुत है लेकिन आपका एक डिले आ गया, वहाँ पे हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है फिर पास आउट किया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इन दैट केस रोड इज फ्री, लेकिन ड्यू टू दैट हर्डल आपका जो फ्लो है कार का जो वो आपका कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाएगा, ट्रैफिक का फ्लो, बिकॉज कि आगे एक चेक पॉइंट है वो चेक कर रहा है। तो इसी तरीके से जब हम अपनी डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे होते हैं तो हमने लिंक को भी देखना है कि लिंक पे लोड कितना है, लिंक एक वक्त में कितना डेटा लेके जा रहा है। तो ये आपके जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि जो हम बैंडविड्थ की जब बात करते हैं तो हम उसको किस कंटेक्स्ट में कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ पे वैसे तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, देखिए आपके मैं आपको बार बार जितने भी लेक्चर में कह रहा हूँ कि जब तक बेटा आप लोग इसकी बुक जाके डिस्कस बुक नहीं पढ़ेंगे चैप्टर, अगर खाली आप ये जस्ट लेक्चर्स को सुनेंगे या इन स्लाइड्स को देखेंगे तो आप थोड़ी, क्योंकि ये जो लेक्चर्स होते हैं या स्लाइड्स जो होती हैं ये टीचर्स के लिए होती हैं, इंस्ट्रक्टर के लिए होती हैं, तो आप इसकी जो एंड क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर करें, ठीक है, उनको ट्राई करें। फिर बुक में मैं भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्जांपल्स भी कवर करवा रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल्स भी कवर करवा रहा हूँ, इसीलिए कवर करवा रहा हूँ कि आपकी आपकी बेस बन जाए, आपको कंसेप्ट का आइडिया हो जाए कि हमने ये तमाम न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। लेकिन जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको इन तमाम चीज़ों का आइडिया नहीं हो सकता। तो इसलिए लिहाजा ये जितनी भी आपको एग्जांपल्स करवाई जाती हैं तो इन तमाम एग्जांपल्स को एक बार खुद से करें, फिर देखें कि जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे, फिर जो बुक के एंड पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फिर उनको ट्राई करें, तो उनसे आपके जो है कंसेप्ट बनेंगे, आपके आपको जो विजन है वो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बेहतर होगा, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, द बैंडविड्थ ऑफ अ सब्सक्राइबर लाइन इज 4 किलोहर्ट्ज़ फॉर वॉइस और डाटा। आपके पास एक लाइन है जो 4 किलोहर्ट्ज़ की है, यानी अब देखें जब हम डाटा की बात करते हैं तो आपके पास डाटा नेटवर्क्स भी होते हैं, वॉइस नेटवर्क्स भी होते हैं, वीडियो नेटवर्क्स भी होते हैं और कंबाइन भी होते हैं। अब अगर एक यूज़र है, जब आप मोबाइल को एज ए टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो एज ए डाटा नेटवर्क यूज़ हो रहा है, जब आप उसके साथ कॉल कर रहे हैं तो वॉइस नेटवर्क यूज़ हो रहा है, जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो एज ए वीडियो नेटवर्क यूज़ हो रहा है। तो देखें जो कम्युनिकेशन है उसमें आपके पास जो है वो
आपके पास डेटा, वॉइस, वीडियो, हम ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपना नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो हम यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिज़ाइन करते हैं कि आपका जो है आपको डेटा नेटवर्क ज़्यादा चाहिए या वॉइस नेटवर्क ज़्यादा चाहिए या आपको वीडियो नेटवर्क ज़्यादा चाहिए। तो जो यूज़र की नीड्स होती हैं, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उसके मुताबिक उसके नेटवर्क का जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिज़ाइन करते हैं कि उसको डाटा नेटवर्क चाहिए या उसको वॉइस नेटवर्क चाहिए या उसको वीडियो नेटवर्क चाहिए, उसको किस तरह का नेटवर्क चाहिए। हम उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को देख के वैसा नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, द बैंडविड्थ ऑफ अ सब्सक्राइबर लाइन इज 4 kHz फॉर वॉइस और डाटा। द बैंडविड्थ ऑफ दिस लाइन फॉर डाटा ट्रांसमिशन कैन बी अप टू 56,000 बिट्स पर सेकेंड यूजिंग अ सोफिस्टिकेटेड मॉडेम टू चेंज द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ आपको, मैं फिर इस चीज़ को आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ कि द बैंडविड्थ ऑफ अ सब्सक्राइबर लाइन इज 4 kHz। वो क्या है, वो 4 kHz है फॉर वॉइस और डाटा। वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं और डाटा भी उस पर सेंड कर सकते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ दिस लाइन फॉर, अब इस लाइन की जो डाटा ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ है कैन बी अप टू 56,000 बिट्स पर सेकेंड, यानी मैक्सिमम कितना उसमें सेंड कर सकते हैं, 56,000 बिट्स पर सेकेंड यूजिंग अ सोफिस्टिकेटेड मॉडम, जो आपके पास मॉडम्स होते हैं उसके थ्रू यूज कर सकते हैं, टू चेंज द डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग में, जिस तरह हमने कल भी डिस्कस किया था कि मॉडम क्या होता है, मॉडुलेटर, डी मॉडुलेटर, जो आपकी मॉडुलेशन और डी मॉडुलेशन करवा रहा होता है, वो आपके पास क्या होता है, वो आपका मॉडम होता है। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है, अभी अगर हम 3.42 देखें, हम प्रीवियस देखें, यह आपके पास क्या है, इट्स 3.42। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपके पास 3.43 है, वो आपके पास 3.42 के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। इफ़ द टेलीफोन कंपनी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइन, अब टेलीफोन कंपनी जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइन को इम्प्रूव करती है एंड इंक्रीज द बैंडविड्थ टू 8 kHz। हम अगर आप बैक पे जाएं अगर, तो यहाँ पे क्या आपके पास 4 kHz है, यहाँ पे वो अपनी बैंडविड्थ को 4 kHz से इम्प्रूव करते हैं 8 kHz में। वी कैन सेंड 112,000 बिट्स पर सेकंड बाय चूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी एज मेंशन इज एग्जांपल 3.42। यहाँ पे जो आपके पास एक न्यू कंसेप्ट आया है, वो कंसेप्ट क्या आया है कि यहाँ पे अगर आप इसको देखें, प्रीवियस एग्जांपल में देखें, तो हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि जो बैंडविड्थ आपके पास है वो 4 kHz है और आप कितना सेंड कर रहे हैं, 56। तो जब डेफिनेटली आप बैंडविड्थ को डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। 56 का डबल क्या होता है, आपके पास 112 होता है। तो एग्जैक्टली हमने यही बात यहाँ पे की है कि जब आप, इफ द टेलीफोन कंपनीज इम्प्रूव द क्वालिटी, वो अगर उसको बैंडविड्थ को डबल करेगा तो आपकी डाटा रेट भी डबल हो जाएगी। डेफिनेट बड़ा सिंपल सा रूल है, बैंडविड्थ अगर 2 है तो 4 है, 4 है तो 8 है, मतलब उसके साथ आपका लिंक्ड है कि जो आपका चैनल है, जितनी आपकी बैंडविड्थ होगी उतना ही आपका डाटा रेट बेहतर हो जाएगा ट्रांसमिशन के लिए, जो आप सेंड कर सकते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। अब हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है, ए नेटवर्क विद बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps कैन पास ऑनली एन एवरेज ऑफ 12,000 फ्रेम्स पर मिनट विद ईच फ्रेम कैरिंग एन एवरेज ऑफ 10,000 बिट्स। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है जी, फर्स्ट चीज़ क्या है कि आपके पास एक नेटवर्क है जिसकी बैंडविड्थ कितनी है, 10 Mbps कैन पास ओनली एन एवरेज, यानी जो उसके एवरेज फ्रेम्स हैं वो 12,000 फ्रेम पर मिनट विद ईच फ्रेम कैरिंग एन एवरेज ऑफ 10,000 बिट्स। अब ये यहाँ पे कुछ देखें, जब तक आपको न्यूमेरिकल्स में आपको समझ ही नहीं आएगा यानी वो क्या कह रहा है, तब तक आप उसको मैथमेटिकल कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको क्या चीज़ें गिवन है कि वो कहता है कि एक नेटवर्क है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है आपके पास, दैट इज 10 Mbps और वो एक मिनट में 12,000 फ्रेम्स ऑन एवरेज जो है वो कैरी कर रहा है और एक फ्रेम में जो डाटा आया है
दैट इज 10,000 बिट्स. हमने क्या कहा था जब हमने डेटा एनकैप्सुलेशन पढ़ी थी कि सेगमेंट्स जो है वो पैकेट्स में होते हैं, पैकेट्स आपके फ्रेम में होते हैं और फ्रेम आपके बिट्स में होते हैं. तो वहां पे वो यही बात कर रहे हैं कि जो फ्रेम्स आपके हो रहे हैं, अब वो एक फ्रेम में कितनी बिट्स हैं, वो 10,000 बिट्स हैं. व्हाट इज द थ्रूपुट ऑफ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क की थ्रूपुट क्या होगी, वो कितना डेटा सेंड कर सकता है एट अ टाइम. तो वो हमने अब किस तरह फाइंड करनी है कि थ्रूपुट, कि वी कैन कैलकुलेट द थ्रूपुट. अब ये आपके पास थ्रूपुट का फार्मूला है कि ये आपके टोटल फ्रेम्स हैं, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 10,000 से और डिवाइड किया आपने 60 से, तो आपके पास क्या चीज़ आ गई, 2 megabits पर सेकेंड आ गया. द थ्रूपुट इज ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द बैंडविड्थ इन दिस केस, कि जो आपकी बैंडविड्थ आप देखें ये 10 megabits है तो ये 2 megabits है, तो ये 1/5 है, क्योंकि अगर 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है. तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि इट्स 1/5 जो आपके पास, ये अगर 10 megabits है तो यहाँ पे जो आ रही है आपके पास क्या है, ये 2 megabits आ रही है, तो ये उसके 1/5 आ रही है. तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया. तो अब बहुत सिंपल सा है, आपने फ्रेम्स को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसको आपने कन्वर्ट किया, तो आपके पास क्या आ गया, 2 megabits पर सेकंड आ गया. लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है, आपके कितने फ्रेम्स हैं, एक फ्रेम में बिट्स कितनी जा रही हैं, आपको बैंडविड्थ कितनी गिवन है, इन तमाम चीज़ों को आप जो है यूज़ करके ये फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है कि व्हाट इज द प्रोपगेशन टाइम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 12,000 किलोमीटर. आपके पास दो नोड्स हैं, एक को हम कहते हैं नोड ए और एक को हम कहते हैं नोड बी. मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नोड कंप्यूटर, पीसी, मशीन, क्लाइंट, होस्ट, सबका एक ही मतलब है. बाज बुक्स में उसको नोड कहते हैं, बाद में उसको कंप्यूटर कहते हैं, बाद में उसको मशीन कहते हैं, बाद में उसको टर्मिनल कहते हैं, बाद में उसको होस्ट कहते हैं. तो उन तमाम का जो मतलब है वो सबका सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. पीसी, टर्मिनल, मशीन, होस्ट, क्लाइंट, सबके सारे एक ही चीज़ है, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोपगेशन टाइम इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 12,000 किलोमीटर. अगर आपके पास टू पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12,000 किलोमीटर है. अज्यूम द प्रोपगेशन स्पीड, हम यहाँ पे हम एक छोटी सी अजम्पशन ले रहे हैं, टू बी 2.4 × 108 मिलीसेकंड इन केबल, ठीक है जी. अब जो आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास इसकी स्पीड है वो क्या है कि वी कैन कैलकुलेट. अब हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो आपके पास टाइम है ये आपके पास 12,000, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 1,000 से आपने क्यों मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास किलो है, ठीक है, ये किलोमीटर्स हैं, इसको किलोमीटर्स में आपने कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड करेंगे, या ये अब आपकी असाइनमेंट है, इसको देखें कि ये हम इसको किस तरीके से क्यों कर रहे हैं, इसको 1,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया. यहाँ पे हमने इसकी तो अजम्पशंस ले ली हैं कि ये 2.4 × 108 है, इसको ये एक की पॉइंट है. ये आप लोगों ने, आपको तभी पता चलेगा जब आप इस चैप्टर की टॉपिक नंबर 3.45 जगह पढ़ेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये की पॉइंट समझ नहीं आएगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 12,000 को मल्टीप्लाई किया 1,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कर दिया, जो हमने अपनी प्रोपगेशन स्पीड यहाँ पे अज्यूम की थी, तो ये क्या आ गया, 50 मिलीसेकंड आ गया. तो ये जो आपकी एग्जांपल्स है ये क्या शो कर रही है, इज़ ऑनली 50 मिलीसेकंड इफ़ देर इज़ अ डायरेक्ट केबल बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. देखें यहाँ पे एक और की पॉइंट आ गया कि अगर आपके पास दो स्टेशन है, अगर वो हमने कल बात की थी कि एक डायरेक्टली जिसको हम आपके जो दो नोड्स जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं, अगर वो दोनों नोड्स आपके आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो वो आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगा, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट लिंक होगा. लेकिन अगर दरमियान में कोई सेंट्रल डिवाइस है, लाइक आप उसमें हब यूज़ कर रहे हैं, स्विच यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू आप इसमें कम्युनिकेट करवा रहे हैं, तो वो फिर आपका इनडायरेक्ट लिंक होगा उन दो सिस्टम की कम्युनिकेशन में. जिस तरह आपकी स्टार टोपोलॉजी है उसमें इनडायरेक्ट लिंक होगा, लेकिन जो आपकी पॉइंट टू पॉइंट लिंक है वो आपका डायरेक्ट लिंक होगा, जिसमें आपके दोनों स्टेशन जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और जितना भी डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं वो डायरेक्टली सेंड और रिसीव कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे जो आपके पास हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पास प्रोपगेशन टाइम आया है, जो आपका 50 मिलीसेकंड टाइम आया है, ये आपका इनडायरेक्ट लिंक के थ्रू आया है. जो आपका डायरेक्ट लिंक है ये आपका वो टाइम है.
नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसमें एग्जांपल है कि व्हाट आर द प्रोपेगेशन टाइम एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ 2.5 किलोबाइट मैसेज एंड ईमेल इफ द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 1 गीगाबिट पर सेकंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर इस दौर में हर स्टूडेंट यूजर ईमेल फेसबुक चैटिंग हर यूजर यूज कर रहा है। तो ईमेल हमने पहले लेक्चर में देखा था कि कौन सी किस लेयर पे काम कर रही होती है, एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही होती है। ईमेल आपकी कौन सी यूटिलिटी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करती है, एसएमटीपी यूज़ करती है। एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका वो प्रोटोकॉल है जो हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स में यूज़ करते हैं। हम जब मेल को सेंड और रिसीव करते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं एसएमटीपी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि व्हाट आर द प्रोपेगेशन टाइम एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ 2.5 किलोबाइट मैसेज एंड ईमेल, जो आपका मैसेज है आपकी जो ईमेल है, इफ द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 1 गीगाबाइट पर सेकंड। अगर आपकी बैंडविड्थ जो आपका नेटवर्क है वो अगर 1 गीगाबिट पर सेकंड का है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द प्रोपेगेशन टाइम, ठीक है। और मैसेज का साइज भी दे दिया, assume that the distance between the sender and the receiver is 12,000 km and the light travels at 2.4 जो आपकी लाइट है या जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स है वो जो उसका जो ट्रेवल रेट है वो 2.4 × 1.08। वी कैन कैलकुलेट द प्रोपेगेशन एंड ट्रांसमिशन टाइम एज शोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो उसमें मैं आपको शो करता हूँ कि हमने इसका प्रोपेगेशन और वो टाइम के सर किया। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके मिड टर्म के पेपर में भी आ सकते हैं, आपके क्विज़ में भी आ सकते हैं। अब ये देखें, ये वही मैं वापस चाहता हूँ, ये डायरेक्ट गिवन था इसमें, हमें इसमें मैं ट्रांसमिशन टाइम गिवन था, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास जो उसका ट्रेवल रेट था हमने उसको भी अज्यूम कर लिया, नेटवर्क को भी देख लिया कि ये वो 1 GB के। अब हम इसको कैलकुलेट किया तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है प्रोपेगेशन टाइम 12,000 × 1,000 डिवाइड बाई जो हमने यहाँ अज्यूम किया तो क्या आ गया 50 मिली सेकेंड। ट्रांसमिशन टाइम क्या आ गया 2500 × 8 डिवाइड बाई 10^9। वो सारी वैल्यूज़ जो पिछली स्लाइड में हमने देखी थी उसको इसमें पुट किया तो आपके पास क्या आ गया 0.020 मिली सेकेंड। नोट दैट इन दिस केस बिकॉज द मैसेज इज शॉर्ट एंड द बैंडविड्थ इज हाई द डोमिनेंट फैक्टर इज द प्रोपेगेशन टाइम नॉट द ट्रांसमिशन टाइम, द ट्रांसमिशन टाइम कैन बी इग्नोर्ड। तो ये चीज़ ये जो पॉइंट है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द मैसेज इज शॉर्ट एंड द बैंडविड्थ इज हाई। मैसेज बहुत शॉर्ट था, बैंडविड्थ बहुत हाई थी तो द डोमिनेंट फैक्टर वो क्या है इज द प्रोपेगेशन टाइम नॉट द ट्रांसमिशन टाइम, यानी वो ट्रांसमिशन टाइम नहीं है, वो आपका जो है किस पे बेस कर रहा है, प्रोपेगेशन टाइम पे बेस कर रहे हैं। द ट्रांसमिशन टाइम कैन बी इग्नोर, जो आपका ट्रांसमिशन टाइम है वो आपका इसमें इग्नोर हो सकता है। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को समझने के लिए मैंने इसमें 5-6 इस तरह की आपके न्यूमेरिकल डाले ताकि आपको ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें समझ आ जाएं कि हम किस तरह मैथमेटिकल इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट आर द प्रोपेगेशन टाइम एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ 5 MB मैसेज एंड इमेज। अब हम बात एक आपके पास पिक्चर है वो किसी फॉर्मेट में हो सकती है, JPG फॉर्मेट में हो सकती है, BMP फॉर्मेट में हो सकती है, किसी फॉर्मेट में हो सकती है। तो वो आपके पास एक व्हाट आर द प्रोपेगेशन टाइम एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ 5 MB मैसेज एंड इमेज इफ द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 1 MB/s। अब आपके पास बैंडविड्थ जो है वो 1 MB की है, आपसे पूछा गया है कि ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा अगर आपके पास 5 MB मैसेज है, वो एक पिक्चर है वो आपने ट्रांसमिट करनी है 1 MB लिंक के ऊपर, यानी आपके पास 5 MB की पिक्चर है उसको आपने ट्रांसमिट करना है 1 MB के ऊपर तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज 12,000 km एंड लाइट ट्रेवल्स, हमने यहाँ पे फिर वही सेम अपने अजम्पशंस ली जो हमने लास्ट अपना न्यूमेरिकल किया है। वी कैन कैलकुलेट, हम अभी इसको कैलकुलेट करते हैं उसमें नेक्स्ट स्लाइड में कि हम इन दोनों चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास आ गया प्रोपेगेशन टाइम आ गया 12,000 × 10, इसको डिवाइड किया आपके पास क्या आ गया 50 मिली सेकेंड आ गया ट्रांसमिशन टाइम।
आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 106 किया, तो क्या आ गया 40 सेकंड आ गया। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, नोट दैट इन दिस केस बिकॉज द मैसेज इज वेरी लॉन्ग, मैसेज बहुत बड़ा आता है एंड द बैंडविड्थ इज नॉट वेरी हाई, द डोमिनेंट फैक्टर इज द ट्रांसमिशन टाइप नॉट द प्रोपगेशन टाइम। अब अगर हम बैक स्लाइड पर जाएं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डोमिनेंट फैक्टर क्या था, वो आपका क्या था, जो प्रोपगेशन टाइम था और ट्रांसमिशन टाइम नहीं था। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे हम कंसेप्ट जानना चाह रहे हैं कि जो आपके पास जो आपका डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या है, कि ये ज़रा गौर से इस बात को समझिए आप कि बिकॉज मैसेज इज वेरी लॉन्ग, जो मैसेज है उसका साइज बहुत बड़ा है एंड द बैंडविड्थ इज नॉट वेरी हाई, बैंडविड्थ आपके पास बहुत शॉर्ट बैंडविड्थ है, तो दैट्स वाई डोमिनेंट फैक्टर इज द ट्रांसमिशन टाइम नॉट द प्रोपगेशन टाइम, द प्रोपगेशन टाइम कैन बी इग्नोर। यहाँ पे हम अपना जो प्रोपगेशन टाइम है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि ये हमने एक इसकी डायग्राम दी है कि फिलिंग द लिंक विद बिट्स फॉर केस वन। आप देख रहे हैं कि ये सेंडर है आपके पास, ये आपका रिसीवर है, बैंडविड्थ आपके पास 1 bit per second है, डिले 5 seconds है। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब बैंडविड्थ और डिले को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बैंडविड्थ इनटू डिले आपके पास क्या आ रहा है, 5 bits आ रही है। अब आप देखें आफ्टर 1 second आपने फर्स्ट बिट सेंड की, आफ्टर 2 second सेकेंड बिट, फिर फर्स्ट बिट, आफ्टर 3rd second थर्ड बिट, सेकेंड बिट एंड देन फर्स्ट बिट, आफ्टर 4 second आपने 4th bit सेंड की, फिर 3rd bit सेंड की, फिर 2nd bit सेंड की, फिर 1st bit सेंड की और लास्ट में आफ्टर 5 second आप देखें 5th bit गई, फिर आपके पास 4th bit गई, फिर 3rd bit गई, फिर 2nd bit गई, फिर 1st bit। तो यहाँ पे हमने जो डिले कहा था वो क्या क्या था, 5 second, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो जो पहली बिट यहाँ से वहाँ तक जो ट्रांसमिशन हो रही है कि बैंडविड्थ आपके पास 1 bit per second की है, तो जो डिले आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, वो आपके पास 5 second का डिले आ रहा है कि जब आप यहाँ से वहाँ तक उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपके पास कितना टाइम आ रहा है, 5 second का टाइम आ रहा है सेंडर से रिसीवर तक डेटे को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वी कैन थिंक अबाउट द लिंक बिटवीन 2 points एज अ पाइप। डेफिनेटली देखें अगर आपके पास एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो हम ये वहां पे अज्यूम करते हैं कि वो एक पाइप है, वो एक आपका ब्रिज है बिटवीन 2 nodes। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप रिप्रेजेंट्स द बैंडविड्थ एंड द लेंथ ऑफ द पाइप रिप्रेजेंट्स द डिले। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि वी कैन थिंक अबाउट द लिंक बिटवीन टू पाइप पॉइंट द पाइप, वो एक आपका एक पाइप है, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप रिप्रेजेंट्स द बैंडविड्थ एंड द लेंथ ऑफ द पाइप रिप्रेजेंट द डिले। जो लेंथ है उस पाइप की वो डिले, यानी वहाँ से वहाँ तक आप कितनी देर में, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पाइप है तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो आप पहुँचेंगे जो उसमें डिले आ रहा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेंथ है, जो स्पैन की लेंथ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ द पाइप डिफाइंस द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट एज शोन इन फिगर 3.3। ये आप देखें ये आपके पास जो है ये आपके पास फिगर 3.3 है, जिसमें देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या आ रहा है, ये लेंथ आ रहा है और ये आपके पास क्रॉस सेक्शन आ रहा है, ये आपकी बैंडविड्थ आ रही है, ये आपकी बैंडविड्थ है कितनी और ये आपके डिले है कि आप कितना डाटा ट्रांसमिट करते हैं। जी तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल को देख लिया कि आपके पास जब आप सेंडर और रिसीवर में अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपकी डिले कितनी आ रही है, आप पैकेट को किस तरह सेंड कर रहे हैं, किस तरह ट्रांसमिट कर रहे हैं, पहले फर्स्ट बिट, फिर सेकंड बिट, थर्ड बिट एंड सो ऑन। जी ये हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ये कंसेप्ट देखा था कि जिसमें हमने क्या बात की थी कि लेंथ ऑफ द पाइप रिप्रेजेंट द डिले, ठीक है जी। अब हम आप ये देखें कि यहाँ पे हम इस एग्जांपल को फिर देखते हैं कि ये आपके पास एक सेंडर है, ये आपके पास एक रिसीवर है। अब इससे जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें आपके पास बैंडविड्थ क्या थी, 1 bit per second और आपके पास डिले क्या था, 5 seconds था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो बैंडविड्थ है वो 4 bits per second है और जो डिले है वो 5 seconds है, तो बैंडविड्थ इनटू डिले आपके पास क्या आ जाएगा, 20 bits आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि आफ्टर फर्स्ट
जो जब आप यहाँ पे सेंड करते हैं तो फर्स्ट 5 बिट्स आपके पास आ गई, फिर आफ्टर सेकंड फिर आपने 5 बिट्स सेंड कर दी, फिर थर्ड 1 2 3 4 5 बिट्स फिर चली गई, फिर फोर्थ सेकंड के बाद वहाँ पे आप 1 बिट अगर आप इस स्लाइड में देखें तो आप कैसे सेंड कर रहे हैं, 1 1 बिट करके सेंड कर रहे हैं, देन 1 देन 1 देन 1 देन 1। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप 5 बिट सेंड कर रहे हैं, फिर 5 बिट्स फिर 5 बिट 5, तो यानी जब आपने आफ्टर 5 बिट्स आपने सेंड किया है तो फिलिंग द लिंक विद बिट्स इन केस 2। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा केस है जो इससे पहले वाला केस था उसके अंदर हमने क्या किया था कि हम उसमें जितनी भी अपनी बिट्स ले रहे थे वो हम अपनी जो 1 1 करके ले रहे थे। तो द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द लिंक। इट्स अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, जो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है ये क्या चीज डिफाइन कर रहा है, द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द लिंक, कितनी बिट्स चाहिए उस लिंक को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, वो आपको बैंडविड्थ डिले जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको बता रहा होता है कि आपको कितनी लिंक्स चाहिए आपको उसको जो है फिल करने के लिए, कि जो आपका बैंडविड्थ डिले है प्रोडक्ट है वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है कि आपको कितनी बिट्स चाहिए उस लिंक को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। और फिर जो हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट देखा था, हम एक दफ़ा इसको मैं आपको बता देता हूँ, हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं। हमने क्या कहा था कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप रिप्रेजेंट द बैंडविड्थ एंड द लेंथ ऑफ द पाइप, जो उसका अब हम यहाँ देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन से क्या मुराद थी और जो पाइप की लेंथ है उससे क्या मुराद थी। ठीक है, वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, एंड द लेंथ ऑफ द पाइप रिप्रेजेंट द डिले, वो डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें कितना डिले आ रहा है, जिसको हम बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अब आप फिगर 3.3 में जाते हैं, हम ये हमारे पास वो फिगर 3.3 है जिसमें हमने क्या कहा था कि कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, जो हमने पीछे भी लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था कि द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द लिंक। तो आप ये देखें कि इसके अंदर क्या है कि ये आपके पास लेंथ है, ये आपका डिले है। अब यहाँ से लेकर ये अगर हम बात कहते हैं कि ये आपका अगर स्टेशन ए है और ये आपका अगर स्टेशन बी है, यहाँ तक पोर्शन है, तो ये जो चीज़ आ रही है ये आपका इसके ऊपर डिले है, और ये जो आपका क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं ये आपकी बैंडविड्थ है कि एक वक्त में आप कितना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव वहाँ पे करवा सकते हैं। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखेंगे जो आपका वॉल्यूम बन रहा है, आप बैंडविड्थ इनटू डिले, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, आपका जो वॉल्यूम आ रहा है वो आपका बैंडविड्थ इनटू डिले, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, बैंडविड्थ। तो ये जो आपकी लेंथ है ये डिले को शो कर रही है, और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये आपकी बैंडविड्थ को शो कर रही है। तो ये जो आपका कंसेप्ट था ये आपका बैंडविड्थ डिले का था कि आपके पास बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो जो है कंप्लीट हो गया है हम, और ये चैप्टर जो आपका डेटा एंड सिग्नल्स का चैप्टर था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि देखें इस कोर्स के मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमने राउटिंग भी डिस्कस करनी है, स्विचिंग डिस्कस करनी है, लेयर्स डिस्कस करनी है। तो जो इस कोर्स का नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, तो जो कम्युनिकेशन का सेक्शन है उसमें हमारे पास दो मेजर जो चैप्टर्स जो थे, एक था डाटा एंड सिग्नल्स का जो हमने कंप्लीट किया, अभी क्या हमने इस चैप्टर को अपने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम इस पर लिया ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ कि एक्चुअल कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है। फिर हमने इसमें बेतहाशा मैथमेटिकल एग्जांपल्स किए हैं, हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उन कंसेप्ट्स को समझने के लिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल जो है आपको पता चल जाए कि डाटा क्या है, सिग्नल्स क्या है, बिट रेट क्या है, बॉड रेट क्या है, आपका शैनन फार्मूला क्या है, इस जितने भी थ्योरम्स हैं हमने उन तमाम को चैप्टर में डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये जो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 आपका डाटा कम्युनिकेशन बेरोज फेरोजन का, अब हम इसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो डिजिटल ट्रांसमिशन का स्टार्ट करेंगे कि डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है, वो किस तरह काम करती है। इंशाल्लाह ताला वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिजिटल ट्रांसमिशन का चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।